नमस्कार, मैं रविकांत। देख रहे हैं आप लोग झकास भारत। क्या दिल्ली, क्या बंबई, क्या कोलकाता और क्या चेन्नई और क्या पटना, सभी जगहों पर जिस अंदाज और जिस प्रकार से दीपावली की तरह माहौल बन गया, इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से प्रोत्साहित किया था 2 दिनों पहले, वह साफ बाकिया देखा गया। हम देखेंगे प्रधानमंत्री के फिलहाल इस वीडियो में कि वह किस प्रकार से और किस अंदाज से वह दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और सारे देश में एक दीपावली का माहौल है। हम फिलहाल इस वीडियो को देखें। और जैसा कि देखा आप लोगों ने इस वीडियो में कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से चलकर आ रहे थे और दीप प्रज्वलित किया, उसी प्रकार से देश में करोड़ों लोग करोड़ों घरों में इसी लाइट और मोबाइल का लाइट लेकर खड़े थे। कहीं पर मोमबत्ती, कहीं पर दिए और कहीं पर जो भी थे लोग प्रोत्साहित कर रहे थे प्रधानमंत्री को। और कहीं कहीं तो इतने देरी तक पटाखे छूटे कि देखने के लिए मिल रहा था सारे गांव, सारे शहरों से, सारे स्टेटस और पोस्ट पे जिस प्रकार से चल रहा है। लोगों ने एक उद्वेग भी था कि हम कितने जल्दी प्रधानमंत्री की बातों के साथ फोटो पे छप जाएं, वह भी बाकिया दिख रहा था। लोगों को उत्साह दिख रहा था एक बीमारी में, और जिस प्रकार से एक बीमारी को एक उत्सव की तरह बना देना, यह कहीं ना कहीं इस प्रधानमंत्री में एक अलग नेतृत्व क्षमता की सुबुगाहट भी सुनाई देती है और एक आवाज भी सुनाई देती है। जिस प्रकार से वह मित्रों कहकर हाथों के तेवर से फलकाते हुए वह अंदाज से बोलते थे, दुनिया यूं ही नहीं उन्हें दुनिया का नेता मानती है। आज देश विदेशों में चर्चाएं हो रही है कि भारत इतना बड़ा पॉपुलेशन का देश है, कोरोना वायरस पर कैसे संभलेगा। मगर प्रधानमंत्री के एक आह्वान के बाद देश लॉकडाउन हो जाता है। हाँ, कुछ लोग, इतनी बड़ी आबादी है कि अगर 1 लाख भी सड़क पर निकल जाएंगे तो ये भीड़ होगी, मगर 1,000 भी लोग निकल जाएंगे तो ये भीड़ दिखेगी। मगर कहीं ना कहीं कोरोना वायरस पर भारत की जीत की तरह एक प्रकार से देखा जा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं योगदान उन तमाम लोगों का है जो अपने घर में रह करके इन सभी लड़ाइयों से लड़ रहे हैं। और आज जिस प्रकार से माहौल देखने के मिला, पिछले बार जिस प्रकार से थाली और शंख का माहौल देखने के लिए मिला था, तमाम बॉलीवुड, तमाम बिजनेस घराने और तमाम राजनीतिक हस्तियां, तमाम मीडिया कर्मियों को भी यह देखा गया था, और आज भी वही बाकिया देखने के लिए मिला। यह एक साफ संकेत है न केवल नेतृत्व का, यह एक बात है कि अपने प्रधानमंत्री की बात भी कितने गंभीरता से लोग सुनते हैं। यह एक देश का सम्मान है। सवाल है कि नरेंद्र मोदी की में कमियां हो सकती है, हम उन कमियों के विरोध में बोलेंगे, हम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बोलेंगे, मगर इस प्रकार की नेतृत्व क्षमता बहुत कम देखने के लिए मिलती है। और जिस प्रकार से नेतागण वोट मांगने के लिए जाते हैं गली गली में और उन्हें वोट नहीं मिलता है, और एक नेता जब वो संबोधन करता है, भले ही वह प्रधानमंत्री हों, और उनकी बात को इतनी गंभीरता से लोग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इस देश में एक प्रकार से एक अलग नेतृत्व दिखाई देती है जो बहुत कम नेताओं में फिलहाल देखने के लिए मिलता है। सीएए के विरोध के लिए लेकर जिस प्रकार से सड़कों पे लोग निकले थे, उसमें यह भी था कि सीएए को लेकर लोग जिस प्रकार से विरोध पे निकल रहे थे तो लग रहा था कि प्रधानमंत्री का रुतबा और कद छोटा हुआ है। मगर यह भी एक बात है कि प्रधानमंत्री ने वो कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो एक मैंडेट के साथ बनाया था और संसद में उसे पारित किया था और इसे कानून का रूप दिया, तो लगा कि देश में एक विरोध का माहौल बन रहा है, हिंदू मुस्लिम समाज में माहौल बन रहा है। मगर जिस प्रकार से ये बाकिया कोरोना के बाद लोग प्रधानमंत्री की बातों को मान रहे हैं, यह एक अलग नेतृत्व और काफी दूरगामी नेतृत्व की बातें हैं। मोदी भी यह समझ रहे हैं कि पब्लिक हमें जानती है, इसीलिए हमें वोट दी है कि हम उनके समस्याओं और समाधान की ओर बढ़ें, और नरेंद्र मोदी ने वह कर दिखाया है। लोग उनकी बातों को जिस गंभीरता से ले रहे हैं, एक मखौल भी बनाया जा सकता था, विपक्षियों की तरफ से मखौल भी बनाया जा रहा है, मगर एक प्रकार से कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि ये कोरोना वायरस के ऊपर नरेंद्र मोदी की एक सोच और पहल एक काम आई देश को। और एक जो और बातें हैं कि एक साथ जो दिखने का मंत्र है मोदी का, एक साथ सम्यक होने का और एक प्रकार से चलने का, ये रीति और नीति इस देश को काम आ रही है, और देश विदेश भी यह मान रहा है। वहां पर भी शंख और घंटी बजाए जा रहे हैं कई देशों में और कई जगहों पर। यहाँ लाइट जलने से पहले कई विदेशों की यह बाकिया है, कई विदेशों में यह हुआ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, फिलहाल खबरों में बने रहिए। झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, फेसबुक पेज को लाइक करना नहीं भूलिए, और ट्विटर पर भी जाइए और देखिए, फॉलो कीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।